अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तलहा फ्रॉम तलहा रिव्यूज। तो जी कैसे हो, क्या हाल चाल? आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन पाकिस्तान, और ये मई के मंथ में ही लॉन्च होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन आने वाले हैं, लेकिन हमने इतने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को कवर नहीं किया और तकरीबन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो फिर कुछ लोग 2 मिनट देखते हैं, 3 मिनट, वो ऑडियंस रिटेंशन नहीं आता वीडियो पे, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। लेकिन कुछ मैंने 5 ऐसे मोबाइल फ़ोन रखे हैं जिनका आपको इंतज़ार भी है, मोबाइल फ़ोन भी अच्छे हैं और लॉन्च भी होने वाले हैं, कंपनियों ने टीज़ भी करना शुरू कर दिया है। तो आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। लाइक टारगेट है 70 लाइक्स, यानी कि 70 लाइक्स तो कंप्लीट कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो, ताकि हमारी वीडियोस के सब नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो यार, नंबर 1 पर जो स्मार्टफोन है वो तकरीबन स्मार्टफोन तो एक ही कंपनी के 2-3 हैं, जैसा कि आपको बताया कि नोट 7 ऑफिशियल हो चुका है, 4th मई से इसके प्री बुकिंग स्टार्ट हो रहे हैं, मेरा ख्याल 3 मई आज, तो कल इसके जो प्री बुकिंग्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और एक इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट भी है, जी हाँ, वो भी इसी के साथ में लॉन्च हो रहा है, इन्फिनिक्स होट 9 भी है। होट 9 तो बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं, नोट 7 लाइट जो है वो मुझे कुछ अच्छा लगा है, तो वो भी इसी के साथ आ रहा है, उसके बारे में मैंने आपको बताना। तो उसमें भी मीडिया टेक हिलियो G70 है, वो रियलमी के C3 के मुकाबले में आ रहा है, इंशाल्लाह कल परसों उसका कंपैरिजन अपलोड करता हूँ मैं। और उसके अलावा वो मोबाइल फोन बेहतर है क्योंकि 6.6 इंच का एक 720p वाला डिस्प्ले है, लेकिन पंच होल डिस्प्ले है, वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन ये नहीं कन्फर्म कि कौन से कोर रिंग गोरिल्ला ग्लास की मिलती है। 5000mAh की बड़ी बैटरी है, बस फर्क ये है कि वहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिल जाएगी, जी हाँ, मतलब कि 10W का एक नॉर्मल अडाप्टर होगा, तो ये चीज़ है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर स्मार्टफोन रखा है वो रखा है वीवो की तरफ से, वीवो V19। बहुत पहले से मैं इसके बारे में वीडियोस बना रहा था कि जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, मार्च भी गुजर गया, अब अप्रैल चल रहा है, अप्रैल भी चला गया, फिर मई आ गया, मई है, ठीक है, अब मई चल रहा है, ठीक है, तो अभी तक ये नहीं आया, लेकिन अब जो है वीवो पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसको टीज़ करना शुरू कर दिया है। और फाज मुस्तफ़ा के साथ हानिया आमिर, जो कि बहुत ही अच्छी एक्टर हैं, जिनका ड्रामा चल रहा है इश्किया, तो ठीक है, तो वो इस मोबाइल फोन को टीज़ कर रही हैं, वीवो V19 को, यानी कि इसके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो दोनों, ठीक है। तो ये दूसरा मोबाइल है, और ये मोबाइल फोन भी काफ़ी अच्छा है, स्नैपड्रैगन के चिपसेट के साथ आ रहा है, दूसरा एक बड़ा डिस्प्ले है, ड्यूल पंच होल के साथ डिस्प्ले है, यानी कि बहुत मज़े का मोबाइल फोन होने वाला है। और लगभग लोग सोच रहे हैं कि ये तकरीबन 70,000 की प्राइस में आ जाएगा ये मोबाइल फोन, 6.44 इंच का डिस्प्ले होगा, यहाँ पर आपको एक FHD+ डिस्प्ले मिलने वाला है, उसके अलावा आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी और काफ़ी मज़े का है। तो अगर आपने इसके बारे में मुकम्मल जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और ये मोबाइल फोन तकरीबन मई के मिड तक ये लॉन्च कर दिया जाएगा, पाकिस्तानी मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर मई के लास्ट तक, मतलब कि प्री बुकिंग से ख़त्म करके, यानी कि ऑफलाइन में जब तक आ जाएगा। ऑफलाइन में आने का सवाल ये है कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा मोबाइल्स नहीं आ रहे, और यही सारा चक्कर, अल्लाह करे ये काम ख़त्म हो जाए तो फिर सारे मोबाइल लॉन्च हो जाएंगे, लेकिन मई में बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन लॉन्च होने हैं, जी हाँ। अच्छा, अगला जो मोबाइल है वो है रेडमी नोट 9। ये मोबाइल फ़ोन कम्पीट करेगा रियलमी 6i को, इन्फिनिक्स नोट 7 को। अब देखते हैं कि इसकी प्राइस क्या रखी जाएगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इसकी प्राइस लगभग 38-40 हज़ार, लेकिन इतनी प्राइस नहीं होगी, लगभग प्राइस होगी 30,000 के अंडर ही आना चाहिए। अगर 30,000 के अंडर आता है मीडियाटेक हेलियो G85 के साथ, तो ये मोबाइल फ़ोन कमाल होने वाला है, जी हाँ, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें, इतनी अच्छी, मतलब कमाल कमाल की चीज़ें इस मोबाइल फ़ोन में, तो फिर ये इतनी प्राइस में अगर आ जाता है तो इन्फिनिक्स नोट 7 और उसके अलावा रियलमी 6i को ये कम्पीट करेगा। और इंडियन मार्केट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर नार्जो 10 और 10a लॉन्च होंगे, तो ये मोबाइल फ़ोन है उनको कम्पीट करेगा। और उसके साथ ही रेडमी 9 भी आ रहा है, जी हाँ, रेडमी 9, उसके भी कुछ लीक्स और रूमर्स आए हैं, यानी कि एक 720p वाला डिस्प्ले होगा, और कुछ यही कहा जा रहा है G70 या फिर G80 चिपसेट डाला जाएगा, और बाकी बड़ी 5000mAh की बैटरी, 18W की फास्ट चार्जिंग भी होगी उसमें, जी हाँ, देखते हैं वो कब आ रहा है, लेकिन ये इसी के साथ ही लॉन्च होगा रेडमी की 9 सीरीज़ के साथ। तो रेडमी 9, नोट 9, उसके बाद नोट 9 प्रो, ये 3 मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में आ सकते हैं, लेकिन अगर 4th-5th की बात करें, नोट 9 एस और नोट 9 प्रो मैक्स, वो कन्फर्म नहीं है पाकिस्तान में, जी हाँ। और एक छोटा सा सवाल था बहुत से लोगों का कि पोको X2 किधर है, बहुत मतलब कि लोग कमेंट करते हैं, मैं लोगों की वीडियोस के नीचे कमेंट देख रहा होता हूँ या फिर अपनी वीडियोस के नीचे, तो ये बड़ा सवाल है। तो यार, आप रहने तो इसको छोड़ो, ये नहीं आएगा तकरीबन पाकिस्तान में, नहीं आएगा पोको X2, इंतज़ार करने का कोई इतना फ़ायदा नहीं है आपको, जी हाँ, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और अच्छे मोबाइल फोन की तरफ जा सकते हैं, जी हाँ। अच्छा जी, रियलमी 6 सीरीज, आपको पता है कि रियलमी 6i इस चीज़ पर मेरा हाथ निकल जाता है, क्योंकि रियलमी ने 6i जो है उसने आपका बहुत दिल तोड़ा है यार, आपको पता है 32,000 प्राइस। अच्छा, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रियलमी 6 और 6 प्रो जो है
है वो 35-40 या फिर 30 इसका जो बेस वेरियंट होगा वो 30,000 की प्राइस में आएगा। कभी भी नहीं हो सकता, ये बहुत महंगे लॉन्च किए जाएंगे और इसी वजह से ये सेल नहीं होंगे। अगर हाँ इनको अकल आ जाती है कि भाई हमारा रियलमी 6 आई अब सेल नहीं हो रहा, इन्फिनिक्स नोट 7 ज़्यादा अच्छा है, तो शायद ये इसको सस्ता कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन ये भी इसी मंथ में लॉन्च हो जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत लोगों को इंतजार है। रियलमी 6 प्रो की हमने अनबॉक्सिंग की हुई है, और उसके अलावा रियलमी 6 की अनबॉक्सिंग की बात करें तो वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने कर दिया, तो आप देख सकते हैं। जी हाँ, तो ये मोबाइल भी मई के मिड में या फिर मई के लास्ट में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो जाएंगे। ये नहीं कि ऐमें कोई तुक्के छुक्के लगा रहा हूँ, ये कन्फर्म है। ठीक हो गया। अच्छा जी, मोस्ट वेटेड डिवाइस इन पाकिस्तान जिसको सबका इंतज़ार था और मैंने थंबनेल पे भी लगाई थी, और शायद कुछ लोग उसी के इंतज़ार में यहाँ पर आए होंगे। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी A31 बहुत लोगों को इंतज़ार है, और अगर ये 32,000 से 35,000 की प्राइस में आता ना तो ये मोबाइल फ़ोन अच्छा है। जी हाँ, वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि डोंट बाय, खैर वो मैं थोड़ा सा गलत हूँ, उस दिन मुझे गुस्सा बढ़ा था, कोई बात नहीं है। तो ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है, मैं खुद ही अपने मुँह से अब कह रहा हूँ। तो ये जो है कोरिया में इसके प्री ऑर्डर स्टार्ट हो चुके हैं और जल्द ही पाकिस्तानी मार्केट में आने वाला है, मतलब कि लॉन्च ही होना, बस स्टॉक अवेलेबल है मार्केट में, मार्केट में नहीं जो सैमसंग वाले हैं उनके पास, बस ये पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया गया, इंशाल्लाह जल्द ही लॉन्च होने वाला है। तो देखते हैं क्या चक्कर है, तो मोबाइल फ़ोन बेहतर है, लोगों को काफ़ी इंतजार है, क्योंकि सैमसंग की दो ही चीज़ें मशहूर हैं। नंबर एक, सैमसंग से अच्छा जो है वो कोई भी ब्रांड डिस्प्ले नहीं दे सकता, ये बात याद रखना। दूसरा है सैमसंग के कैमराज। आपको पता है कि जब कोई मोबाइल लॉन्च होता है तो लोग पूछते हैं कि सोनी का सेंसर यूज़ हुआ है या फिर सैमसंग का, तो यही चक्कर है। इंशाल्लाह ये लॉन्च होने वाला जल्द ही। जी हाँ, तो ये मोबाइल फ़ोन एक FHD+ डिस्प्ले के साथ आने वाला है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा, लेकिन मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आई वो थी इसके वाटर ड्रॉप नोट। जी हाँ, खैर कोई बात नहीं, मोबाइल में 3 कलर मेरा ख्याल आएंगे, रेड, ब्लैक एंड ब्लू, ऐसा ही कुछ था हाँ शायद, चलो देखते हैं जब आता है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, और आपको उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।